तो चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, बोर मॉडल ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। उसमें मैं 3 लेक्चर बड़े बड़े दिया हूँ और बाकी छोटे छोटे भी हैं। आप अलग अलग क्वेश्चन भी यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो बोर मॉडल से। जिस क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, वो क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। या अगर आपको बड़े लेक्चर देखने का मन है तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है? तो चलो, पहला ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कहता है, ये लेक्चर नंबर थर्ड है, कहता है बोर मॉडल ऑफ एटम, सेंट्रिपिटल फोर्स इज फर्निस्ड बाय द कुलामिक अट्रैक्शन। कुल मिला के इतनी डिफिकल्ट अंग्रेजी है कि जो कुलामिक फोर्स अट्रैक्शन, वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और करता भी है यार, बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और ए नॉट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट, एम इज द मास, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, परमिटिविटी इतना दिया है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक आसान क्वेश्चन है, जिसको सर्कुलर मोशन आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा। अगर ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, प्रोटॉन पे कुछ चार्ज है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा बोर ने बताया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और ये रेडियस आर की जो वैल्यू है वहाँ पे, यहाँ पे ए नॉट दिया हुआ है, ठीक है? तो ये कहता है कि स्पीड, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस कांस्टेंट स्पीड की हमें कैलकुलेशन करनी है। और यहाँ पे ये बताया जाए कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है, वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हम सबको पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स मिलना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ही सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो अपना प्रॉब्लम हो जाएगा। सेंटीपीटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ द बॉडी जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसकी स्पीड का स्क्वायर, और रेडियस, रेडियस के प्लेस पे ए नॉट है, एम बी स्क्वायर ओवर आर। और इलेक्ट्रिकल कुलामिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्साइलिन नॉट, ए नॉट का स्क्वायर और चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो चार्ज कितना है? चार्ज ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो प्रोटॉन पे भी ई होता है, ठीक है? और बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम है, तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर ए नॉट। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ए नॉट ने ए नॉट को ख़त्म कर दिया, तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई अपन 4 पाई एप्साइलिन नॉट, ए नॉट यहाँ बच गया, 4 पाई एप्साइलिन नॉट ए नॉट, और एम भी बच गया है अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, आसान क्वेश्चन था, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था।